Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says Mr. Verma 50 kilogram and Mr. Mathur 60 kilogram are sitting at the two extremes of a 4 meter long boat 40 kilogram standing still in water to discuss a mechanics problem. They come to the middle of the boat neglecting friction with the water. How far does the boat move on the water during the process? Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास एक boat है. मास ऑफ द बोट इज 40 किलोग्राम एंड लेंथ ऑफ द बोट इज गिवन 4 मीटर और इसके ऊपर दो पर्सन खड़े हुए एट द एक्सट्रीम. सो इस तरह से पर्सन ए है जिसका मास 60 किलोग्राम है और पर्सन बी है जिसका मास 50 किलोग्राम है. लेट मी चेक, 50 और 60 है. सो इस तरह से मान लो ये 50 है और ये 60 है, ये 60 है, राइट. नाउ व्हाट हैपन्स कि जो दो पर्सन है ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं सो दैट दे कैन मेट एट द सेंटर ऑफ द बोट. एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और ये जो बोट है ना इनिशियली रेस्ट में था ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. बोट जो है वो रेस्ट में खड़ा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. सो हमें निकालना है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट. बोट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर मैं ये जो दो पर्सन है और जो बोट है इसे एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूँ. सो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम. देखो एक तो इनका वेट लगेगा, लेट्स से वेट ऑफ द सिस्टम. देखो जो मास होगा सिस्टम का वो कितना होगा, 50 प्लस 40 प्लस 60, दिस इज द मास ऑफ द सिस्टम. सो कितना आ रहा है, 150. सो 150 जी ये फोर्स लगेगा और कोई फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स एक फोर्स लगेगा बाय द वाटर. नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वाटर जो है बोट पे, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा टू बैलेंस द वेट. सो क्या ये जो दो फोर्सेस है ये इंटरनल फोर्स है या फिर एक्सटर्नल फोर्स है. अगर मैं वेट की बात करूँ सो दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट. कोई बाहर का एजेंट जब फोर्स लगाता है सो एम जी दैट इज द फोर्स. किसने लगाया, वेट कौन लगाता है, ग्रेविटी लगाती है, ग्रेविटी और यू कैन से अर्थ लगाती है. सो क्या अर्थ इस सिस्टम का पार्ट है, नहीं. सो द फोर्स एग्जर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स. सो 150 जी विल बी एन एक्सटर्नल फोर्स. सिमिलरली जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है किसने लगाया, वाटर ने लगाया. क्या वाटर आपके सिस्टम का पार्ट है, नहीं है. सो नॉर्मल रिएक्शन विल ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल फोर्स. सो कितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है. बट इफ आई से व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम दैट विल बी जीरो बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस द वेट ऑफ द सिस्टम, है ना. सो नॉर्मल रिएक्शन और 150 जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. बट ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे. देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम बट नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो. इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. इफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कॉन्स्टेंट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन जीरो बिकॉज आपका सिस्टम पूरा रेस्ट में था ना इनिशियली. सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का जीरो है देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो और यू कैन से कि सेंटर ऑफ मास का पोजिशन चेंज नहीं होगा. मीन्स अगर हम कहते हैं कि इनिशियल पोजिशन इज एक्स आई देन फाइनल पोजिशन विल बी एक्स एफ देन बोथ विल बी सेम. फाइन, अब हम बात करते हैं कि क्या होगा इस प्रॉब्लम में. ये आपका बोट है ना इस तरह से, ये पर्सन ए है और ये जो है ये पर्सन बी है. लेट मी चेक कितना मास दे रखा है, 50 60. सो ये 50 है और ये 60 है और ये 40 है. अब हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे और फाइनल पोजिशन में क्या होगा. अब देखो ये जो दो पर्सन है ना ये बोट के सेंटर पे आना चाहते हैं सो इन्हें मूव करना पड़ेगा और मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए. आप जैसे ग्राउंड पे वॉक करते हो सो किस तरह से करते हो, आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो सो दैट एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है ऑन यू नो द पर्सन हु वॉन्ट्स टू मूव. आप किस तरह से मूव करते हो ना, अगर मैं पर्सन ए की बात करूँ सो ये जो पर्सन ए है ये क्या करेगा, बोट पे एक फोर्स लगाएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. लेट्स से ये जो पर्सन ए है इसने बोट को पीछे की तरफ पुश किया विद अ फोर्स F1. व्हाट विल हैपन, जो बोट है इस पर्सन पे एक फोर्स लगाएगी F1 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली जो पर्सन बी है इस बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा विद अ फोर्स F2 सो दैट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स F2 विल बी अप्लाइड बाय द बोट ऑन द पर्सन बी सो दैट इट कैन मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड कह लो. तो पर्सन ए जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, पर्सन बी बैकवर्ड मूव कर रहा है और बोट कहाँ मूव कर रही है, बोट पे दो फोर्स लग रहे हैं, बोट पे F1 भी लग रहा है F2 भी लग रहा है. सो बोट कहीं भी मूव कर सकती है, मे बी आगे मूव कर जाए मे बी पीछे मूव कर जाए, है ना, वी डोंट नो. सो कुछ भी मान लेते हैं,
सो लेट मी ड्रॉ इनिशियल एंड फाइनल फाइनल पोजिशन ऑफ द बोट. देखो ये इस तरह से मैं इनिशियल पोजिशन ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. ये आपका 50 है, ये 60 है, और ये 40 है, और ये जो लेंथ है 40 है, और ये जो लेंथ है ये 4 मीटर है. अब फाइनली बोट आगे मूव कर सकता है, पीछे मूव कर सकता है, आपको जो मन करे ले लो. मैं इस तरह से एज्यूम कर रहा हूँ कि यू नो जो बोट है वो आगे की तरफ मूव कर गया, कुछ एस डिस्टेंस आगे की तरफ मूव कर गया. ये फाइनल ये इनिशियल पोजिशन है, और ये फाइनल पोजिशन में बोट जो है आगे की तरफ मूव कर गया, सम डिस्प्लेसमेंट एस. एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, और जो दो पर्सन है फाइनली सेंटर पे आ गए. तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है. अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, इनके बीच में ये रिलेशन है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा उसका पोजिशन चेंज नहीं होगा. सो इनिशियल पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. अब पोजिशन निकालने के लिए हमें एक्सेस डिफाइन करना पड़ेगा. सो लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. मैं एक्सेस डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स एक्सेस डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, राइट. ये आपकी एक्स एक्सेस है, फाइन. सो इनिशियल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, राइट. अब एक्स इनिशियल निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, m1 x1. सो m1 मीन्स 50 किलोग्राम इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0 प्लस m2 दैट इज 60 किलोग्राम, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा. देखो ये लेंथ ऑफ द बोट 4 मीटर है, सो इनिशियली जो 60 किलोग्राम का पर्सन था उसका x कोऑर्डिनेट कितना था, 4 मीटर, राइट. x इज इक्वल टू 4 होगा यहाँ पे. सो इसका 4 प्लस बोट का मास 40, और बोट का पोजिशन क्या लोगे, बोट के सेंटर ऑफ मास का. और बोट अगर यूनिफॉर्म है, सो बोट का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, बोट के सेंटर पे. और बोट का सेंटर कहाँ पर है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, राइट. सो बोट का आपको सेंटर ऑफ मास लेना है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 60 प्लस 50 60 40 दैट इज 150, राइट. सो इनिशियल पोजिशन हम निकाल लेंगे. फाइनल पोजिशन की बात करते हैं, फाइनल पोजिशन कैसे निकालोगे. ये जो पर्सन ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये एस है, और ये जो है ये 2 मीटर है. ये 2 मीटर क्यों है, क्योंकि ये जो दो पर्सन है वो कहाँ पे खड़े हुए हैं, मिडिल ऑफ द बोट पे, राइट. सो यहाँ से 2 मीटर पे खड़े हुए हैं, फाइन. सो जो पर्सन वन है उसका मास 50 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट एस प्लस 2 प्लस सेकेंड पर्सन ये वाला इसका मास कितना है, 60 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट एस प्लस 2 प्लस बोट का मास 40 इंटू इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट. अब इसका जो सेंटर है वो कहाँ पर है, एस प्लस 2 पे ही है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम 150. सो आप देखो ये जो आप सॉल्व करोगे ना, एक्स फाइनल ये कितना आएगा, एस प्लस 2 आएगा. ये मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था. आप देखो पर्सन ए सेंटर पे है, मीन्स एस प्लस 2 पे है. पर्सन ए का एक्स कोऑर्डिनेट एस प्लस 2, पर्सन बी का एक्स कोऑर्डिनेट एस प्लस 2, बोट के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट एस प्लस 2. तीनों ही जो मास है वो एस प्लस 2 पे कंसंट्रेटेड, तो ऑफ कोर्स जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो एस प्लस 2 ही आएगा. सो अब एक्स इनिशियल इज इक्वल टू एक्स फाइनल कर दो, मीन्स इसे इक्वेट कर दो एस प्लस 2 से, और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो. यहाँ पे एस निकल जाएगा. एक्स इनिशियल देखो कितना आ रहा है, 240 प्लस 80 बाय 150, दैट विल बी इक्वल टू एस प्लस 2. सो एस विल बी इक्वल टू, यहाँ से 2 माइनस कर दो, पहले एस प्लस 2 ही निकाल लो, कितना आ रहा है ये 320. सो 32 बाय 15 माइनस 2 दैट इज़ यूअर एस. सो कितना आ रहा है ये 2 बाय 15. सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है बोट का, 2 बाय 15 मीटर, राइट, फाइन. 2 बाय 15 आ रहा है ना, हाँ, फाइन. और कोई मेथड है निकालने का, ऑफकोर्स देखो एक और मेथड है निकालने का, दैट इज़ बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बॉडीज. देखो आपको क्या पता है दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो. अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप क्या लिख सकते हो, m1 s1 s1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3, तीन ऑब्जेक्ट है आपके सिस्टम में, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. s1 क्या है, m1 का डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली s2 क्या है, m2 का डिस्प्लेसमेंट, और s3 क्या है, m3 का डिस्प्लेसमेंट. जैसे फर्स्ट पर्सन है ना, मैं जैसे लिखता हूँ, आप देखो m1, बाय द वे इसका न्यूमरेटर जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, इट मीन्स m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3 ये जीरो है, फाइन. अब मैं लिखता हूँ m1 मीन्स फर्स्ट पर्सन, उसका मास कितना है, 50 किलोग्राम. s1 कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं.
फाइनल पोजीशन क्या है पर्सन का? फाइनल पोजीशन है उसका एस प्लस टू और इनिशियल पोजीशन है उसका जीरो, राइट? इनिशियली जो 50 किलोग्राम का था उसका इनिशियल पोजीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो है और फाइनल पोजीशन है एस प्लस टू है। सिमिलरली एम टू की बात करो, एम टू कितना है 60 किलोग्राम, अब एस टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस 60 किलोग्राम पर्सन। सो इसका एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, अब एक्स फाइनल कितना है इसका एस प्लस टू ही है ना, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एस प्लस टू, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना था इसका फोर था, आप देखो एक्स इज इक्वल टू फोर था, सो माइनस फोर। अब m3 क्या होगा, m3 विल बी मास ऑफ द बोट दैट इज 40 और s3 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट, और किसका डिस्प्लेसमेंट, बोट के सेंटर का, बोट के सेंटर ऑफ मास का, तो वो सेंटर पे ही है बोट के। सो x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल ऑफ सेंटर ऑफ द बोट, x फाइनल ऑफ द सेंटर ऑफ बोट इज s प्लस टू और इनिशियल पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ बोट दैट इज एट x इज इक्वल टू टू, राइट? सो माइनस टू, सो ये s आ गया। सो ये जो वैल्यूज हैं m1 s1 m2 s2 m3 s3, ये तीनों, ये सारी की सारी आपको पता है, इस इक्वेशन में पुट करो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, और यहाँ से आपको s का वैल्यू मिल जाएगा। देखो एक ही वेरिएबल आ रहा है s, है ना, तो उसके लिए सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ s विच इज 2/50। सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। कैलकुलेशन बचा है खुद से कर लेना। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।